ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। दोनों आपकी मृत्यु के लिए हैं। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन है। इस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध से स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक इसके आतंक से मुक्त हुए। स्वामी के प्रभु नरसिंह अवतार की इस भीषण गर्जना से तो वैकुंठ भी कंपित हो उठा। भ्राता श्री हरि नारायण का यह अपार क्रोध कैसे शांत होगा? जिस अनर्थ का मुझे अनुमान था, आखिर वही होने जा रहा है। ये मात्र एक गर्जना नहीं थी गौरी पुत्र, अपितु ये भीषण स्वर तो आगामी सर्वनाश का संकेत था, क्योंकि हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत नारायण के अवतार नरसिंह के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। ये विजय उनकी बुद्धि पर हावी हो गई थी और वो अपने अनंत क्रोध के प्रदर्शन से उसका आनंद मनाने लगे थे, जिसके कारण सृष्टि पर महासंकट छा गया। ये सभी देवता इस प्रकार स्तब्ध क्यों? स्वामी के साथ ये क्या हो रहा है? वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? मैं इस विचार से व्यथित हो रही कि कहीं भ्राता श्री हरिनारायण की क्रोधाग्नि से समस्त सृष्टि का विनाश ना हो जाए।
स्वामी, आप तो अपने ध्यान में भी इतने विचलित प्रतीत हो रहे हैं, अवश्य आपको भी यही चिंता सता रही। यदि नारायण के नरसिंह अवतार को नहीं रोका गया तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह समस्त पृथ्वी धधकते लावे से ढक जाएगी। वो जीवन के योग्य कैसे रह सकेगी? वो तो एक अग्नि के गोले के समान सौर्य मंडल में स्थित रहेगी। फिर तो ऐसा होने से किसी न किसी को तो रोकना ही होगा ना स्वामी। कहें तो इतनी क्षमता किसमें है जो प्रभु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को रोक सके? हाँ देवराज, किसमें है इतना सामर्थ्य? मात्र एक, प्रभु महादेव। महादेव, 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 महादेव। लंकेश, तो क्या सभी देवता प्रभु महादेव के पास गए? फिर प्रभु महादेव ने क्या किया? आप अपने मामा श्री के नरसिंह अवतार की कथा सुनने के लिए कुछ अत्यंत ही उतावले हो रहे हैं। लंकेश, मैं तो सभी श्रेष्ठ कथाओं का श्रवण करने के लिए और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक और उतावला रहता हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश? सदैव के समान सभी देवता एकत्रित होकर कैलाश पहुँच गए और तभी कैलाश पर भी संकट छाने लगा था। प्रभु शिव शंकर, हे भोलेनाथ, अब तो हम सबको आपका ही आसरा है। हे प्रभु हर, कृपा कीजिए, हर लीजिए सृष्टि पर छाए संकट को। करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी,
रच दो लीला अब हर चाहे फिर से एक अवतार धरो अवतार धरो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो विनती करूं भगवन स्वीकार करो। शांत करो प्रभु हम सब पे उपकार करो विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। मुझे ज्ञात है आप सभी यहां क्यों उपस्थित हैं। और मुझे यह भी ज्ञात है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। वीरभद्र 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 श्री ने, किंतु क्यों लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप अभी अचंभित हैं, उसी प्रकार तब देवी पार्वती प्रभु के इस निर्णय को सुनकर स्तब्ध रह गई थी। श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार का सामना अब वीरभद्र जी से होगा, इसकी कल्पना से ही वो चिंतित हो उठी थीं। स्वामी स्वामी अब भ्राता श्री हरि नारायण के क्रोध को शांत करने के लिए वीरभद्र को क्यों भेज रहे हैं? अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में तो ये भी असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देवी, जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही नारायण के इस आवेशित स्वरूप द्वारा उनके क्रोध को वश में करने के लिए मेरे उस उग्र रूप को उनके समक्ष प्रस्तुत होना होगा। नहीं स्वामी, कदाचित इससे स्थिति शांत होने के स्थान पर और भी विकट रूप धारण कर लेगी। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी, मैं वही कर रहा हूं जो स्वयं नारायण ने मुझे करने के लिए कहा। यह तो उनकी लीला का ही भाग है। ऐसा करने के लिए मामा जी श्री हरि नारायण ने कहा था, ये उनकी लीला है। मैं कुछ समझ नहीं सका लंकेश, पिताश्री मामा जी श्री हरि नारायण की किस लीला का उल्लेख कर रहे थे? कदाचित आपके मामा श्री श्री हरि नारायण को यह ज्ञात था कि अकेले स्वयं पर नियंत्रण पाने में वो असमर्थ होंगे,
इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने से पूर्व उन्होंने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से भेंट की। हे जगत पिता, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, रुद्र भी हैं और भोलेनाथ भी। भक्तों के लिए आप दया सागर हैं और दुष्टों के लिए संहारक भी। आपकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजमान है और आपके शीश पर स्वयं चंद्रमा। हे चंद्रमौली, हे देवाधिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जगत का पालनहार, जगत के कल्याण का अपना दायित्व निभाने हेतु आपसे एक सहायता का निवेदन करने आया हूं। क्योंकि हे महादेव, ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध हेतु मुझे एक क्रूर उग्र रूप धारण करना होगा। किंतु मुझे संशय है कि उस उग्र रूप में मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकूंगा, क्योंकि उस समय मेरे शरीर का अर्ध भाग सिंह का होगा, जिस कारण मैं अत्यंत उग्र और आक्रामक हो जाऊंगा। किंतु इस परिस्थिति की यही विडंबना है कि परिणाम कुछ भी हो, किंतु मुझे अपने भक्तों की रक्षा और संसार के कल्याण हेतु यह स्वरूप धारण करना ही होगा। यदि मैं स्वयं पर नियंत्रण खोकर स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाऊं तो मेरे द्वारा सृष्टि को कोई क्षति पहुंचने के पूर्व कोई भी उपाय कर मुझे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिएगा। फिर भले ही इसके लिए आपको अपने किसी भी स्वरूप में मेरे समक्ष क्यों ना आना पड़े। हे भोलेनाथ, आप साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार मुझे अवश्य रोक लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए श्री हरिनारायण, आपको आपके अवतार में स्वयं शांत होने के लिए कुछ समय अवश्य दूंगा मैं। किंतु यदि फिर भी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर सके तो समय रहते जो आवश्यक होगा वो अवश्य करूंगा मैं। तो क्या पिताश्री के समझाने पर माँ की चिंता दूर हुई? हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया और महादेव ने वीरभद्र जी को वहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दिया। किंतु प्रभु नरसिंह तो क्रोध में थे और वीरभद्र जी तो स्वयं पिताश्री के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, तो क्या दोनों के क्रोध का टकराव संकटमय होने वाला था? गौरी पुत्र, प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ने स्वयं ही कहा था कि लौह ही लौह को काटता है। नरसिंह और वीरभद्र जी एक दूसरे के स्पर्श किए बिना ही एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि उनकी ऊर्जा उनसे पूर्व ही आगे पहुंच जाती है। ये उनकी ऊर्जाओं के टकराव का परिणाम था। देवराज इंद्र, आप
हे नरसिंह अवतार, मुझे आप पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए। कृपा करके शांत हो जाइए। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, वो तो महायुद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके चारों ओर अपने शस्त्र से ऐसा चक्र उत्पन्न कर दूंगा कि जिससे आप जब तक शांत ना हो जाएं, कहीं भी प्रस्थान ना कर सकें। अस्त्र ही नष्ट हो गए तो वीरभद्र जी प्रभु नरसिंह को कैसे रोकेंगे? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने संवाद स्थापित कर आपको रोकने का प्रयास किया, किंतु फिर भी आपके मार्ग को बाधित करने की मेरी चेष्टा को आपने असफल कर दिया। इसलिए अब मेरे पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं। मेरा अनुरोध सुनिए, लौट आइए अपने स्वाभाविक रूप में। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं प्रभु, अपने क्रोध का परित्याग कीजिए। अधर्मी और उसके अधर्म को तो नष्ट कर चुके हैं प्रभु, अब इस सृष्टि को भी अपने क्रोध से मुक्त कीजिए। मेरी गुहार सुनकर शांत होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you.
ये दोनों ही समान शक्ति संपन्न हैं, किंतु प्रभु नरसिंह सिंह रूपी पशु के समान आक्रामक शक्ति रखते हैं और उसके साथ साथ उनमें मनुष्य की सारी क्षमताएं भी हैं। इसलिए प्रभु वीरभद्र इतने सामर्थ्यवान होने पर भी प्रभु नरसिंह को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। किंतु इसके पूर्व की समस्त सृष्टि का स्थायी अहित हो जाए, उन्हें रोकना अति आवश्यक है। अब सभी ग्रह धधकते लावा से घिर जाएंगे और सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु नरसिंह में पशु और मानव की शक्ति का मिश्रण है। उन्हें तो कोई ऐसा ही दिव्य योद्धा रोक सकता है जिसमें पशु मानव और पक्षी की शक्ति का अद्भुत समन्वय हो। पशुत्व की भावना व्यक्ति को अनियंत्रित करती है तो पक्षी का स्वभाव अपेक्षाकृत अधिक शांत करता है। शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जीव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अद्भुत दिव्य योद्धा कौन है जिनके समक्ष प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी के विराट स्वरूप भी छोटे प्रतीत हो रहे हैं? विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का हुंकारता, विचित्र रूप था लिया ये सर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बार बार है कल्याण शिव जी ने किया। ये तो स्वयं महादेव के सर्वाधिक उग्र शरभ अवतार हैं। ये प्रभु शर्भेश्वर है। प्रभु शर्भेश्वर, प्रभु शर्भेश्वर, प्रभु शर्भेश्वर।
नरसिंह के समक्ष थे, अर्थात प्रभु महादेव और श्रीहरि नारायण परस्पर संघर्ष हेतु एक दूसरे के सम्मुख आ गए थे। किंतु लंकेश, ऐसी महान शक्तियों के संघर्ष से सृष्टि पर छाया संकट कहीं और तो नहीं बढ़ गया था? क्योंकि प्रभु नरसिंह की क्रोधाग्नि के प्रभाव से सृष्टि तो पूर्व से ही महासंकट में थी। आने मात्र से समस्त ग्रह अपनी दिशा से भटक कर दिशाहीन हो गए। नरसिंह की एकमात्र गर्जना से उन ग्रहों पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे। यदि उनके मध्य संघर्ष हुआ तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कैसा अनर्थ हो रहा है ये? महादेव और स्वामी का ये परस्पर संघर्ष सर्वथा अनुचित है। कैसा सर्वनाश होने जा रहा है? धरी धरी सरे
अनिष्ट, घोर अनिष्ट होगा। यदि उनकी ऊर्जाओं में परस्पर स्पर्श भी हुआ तो समस्त सृष्टि एक महाविस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगी। सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाएगा और अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। टकराव के पश्चात उस विध्वंस से होने वाले महाविनाश की कल्पना भी मुझे व्याकुल कर रही है। प्रभु नरसिंह को शांत करना तो असंभव के समान है। यदि दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो सर्वत्र विनाश हो जाएगा। नहीं, नहीं, मैं इस प्रकार निष्क्रिय रहकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती। अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा। लंकेश, मैं ऐसा क्या करने वाली थी? उन्होंने ऐसा क्या किया होगा ये तो आपको अवश्य ज्ञात होगा गौरी पुत्र। उन्होंने उसी क्षण अपने पूजा स्थल जाकर प्रभु महागणाधिपति जी की पूजा आरंभ कर दी। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। ओम गण गणपते 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 अब तो स्थिति और भी अधिक विकट होती जा रही है। प्रभु नरसिंह का क्रोध तो शांति नहीं हो रहा। अब तो प्रभु शरद जी ने पीछे धकेलने में असमर्थ हो रहे। नमः।
नमस्तुभ्यं विनायक ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे प्रभु महागणाधिपति जी, प्रातः नारायण और स्वामी दोनों ही अपने विराट और उग्र रूप में एक दूसरे के सम्मुख। स्वामी ने शांति से इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास भी किया, किंतु अब यह आभास हो रहा है कि इन दोनों के मध्य के संघर्ष को रोक पाना असंभव है प्रभु। और यदि यह संघर्ष हुआ तो यह समस्त सृष्टि के सर्वनाश का कारण बनेगा। इसीलिए यदि स्वामी अपने प्रभु शर्भ अवतार में भ्राता श्री हरि नारायण के प्रभु नरसिंह अवतार को रोकने में सफल हो भी गए तो भी सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रभु मुझे इस महासंकट से मुक्ति का कोई उचित सुझाव सुझाइए। हे जगत जननी, इस स्थिति में तो अन्य किसी के भी प्रयासों का सार्थक होना अत्यंत कठिन है, किंतु हाँ एक उपाय अवश्य है जिससे प्रभु नरसिंह का क्रोध शांत होना संभव है। वो उपाय क्या है प्रभु? अब तो प्रभु सरब के पास संग्राम के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है, किंतु इससे तो महाप्रलय होगा, सर्वत्र सृष्टि का नाश होगा। किंतु क्या इस अनिष्ट को रोकने का और कोई उपाय नहीं? एक उपाय है। अब इस महासंघर्ष को रोकने का एक ही उपाय है जो प्रभु महागणाधिपति ने प्रभु नरसिंह को रोकने हेतु मुझे सुझाया है, और ये उपाय है चंदन। लंकेश, चंदन का प्रभाव मन बुद्धि विचार को शीतल करता है, और चंदन का तिलक करने वाले का मस्तिष्क सदैव शीतल रहता है और उसे सन्मति प्राप्त होती है। क्रोध उसे प्रभावित नहीं कर पाता, और प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु प्रभु की पूजा में भी चंदन का ही प्रयोग होता है। इसलिए कदाचित एकमात्र चंदन से ही प्रभु नरसिंह का शांत होना संभव था। अवश्य, और सबकी आशा चंदन पे ही केंद्रित थी। तत्पश्चात सभी देवता तत्काल जाकर चंदन एकत्रित कर शीघ्र ही उसके लेप के पात्रों के साथ पहुँचे। तो क्या सभी देवगण श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को चंदन लेप के द्वारा शांत कर पाने में समर्थ हो गए थे लंकेश? योजना तो कुछ ऐसी ही थी गौरी पुत्र, किंतु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार से निकलने वाली अपार ऊर्जा इस कार्य में बाधक बन रही थी। क्या मैं आगे बढ़ने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? मुझे किसी भी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। अग्निदेव चंदन का लेप स्वामी तक पहुँचाने में असमर्थ हो गए। अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। समस्त सृष्टि पर लावा का स्तर बढ़ता जा रहा है। समस्त पर्वत लावा से ढक जाएंगे, फिर सृष्टि पर जीवन का लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। शीघ्र इनके ऊर्जा मंडल भी
एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो क्या चंदन लेप को प्रभु नरसिंह तक पहुंचाने का कोई अन्य उपाय नहीं है स्वामी? तभी सभी देवगण एक एक कर अपने अपने प्रयास आरंभ कर दिए, किंतु जो अपार ऊर्जा नरसिंह और प्रभु शरभ के ऊर्जा मंडल से उत्सर्जित हो रही थी, उसके समक्ष तो कोई भी देवगण टिक ही नहीं सके। स्थिति अति जटिल थी गौरी नंदन, परंतु मात्र देवराज इंद्र ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा था। मैं अन्य देवताओं से आगे पहुंच गया, अब मैं शीघ्र प्रभु नरसिंह तक भी पहुंच जाऊंगा। प्रभु नरसिंह की ऊर्जा तो मुझे पीछे की ओर ढकेल रही है, किंतु मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करूंगा। कदाचित इस बार हम अवश्य सफल होंगे। मैं भी इस ऊर्जा मंडल में प्रवेश करने में असफल हो गया। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। कदाचित अब सृष्टि का विनाश होकर ही रहेगा। नहीं, नहीं, मैं इस प्रकार निष्क्रिय होकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती। अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा। प्रभु महागणाधिपति के सुझाव के अनुसार हमें किसी भी प्रकार इस चंदन के लेप को प्रभु तक पहुंचाना ही होगा, तभी वो शांत होंगे। किंतु ऐसा करने में तो देवराज इंद्र भी सक्षम नहीं है। प्रभु नरसिंह और प्रभु शरभ की ऊर्जाओं को भेद कर उन तक पहुंचने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो एकमात्र आप ही हैं देवी। मुझे पुनः प्रयास करना होगा। जिस प्रकार देवी आदि शक्ति महादेव की शक्ति हैं, वैसे ही देवी द्वारा धारण किया गया देवी प्रत्यंगिर अवतार महादेव के अवतार शर्भावतार की अर्धांगिनी के रूप में उन्हें पूर्णता प्रदान करती है। देवी प्रत्यंगिरा के प्रकट होने के उपरांत जिस उद्देश्य से महादेव ने शरभ अवतार लिया है वो अवश्य संपन्न होगा। हाँ नाथ, जिस प्रकार महादेव ने महाविद्याओं के प्रत्येक रूप में देवी पार्वती का साथ दिया, उसी प्रकार अब उनके सर्वावतार में देवी पार्वती ने भी उनका सहयोग करने हेतु ये रूप धारण किया है।
अब इस चंदन को मैं शीघ्र प्रभु तक पहुंचा दूंगी। माता, समय रहते हुए प्रभु नरसिंह के निकट पहुंचकर हमारी रक्षा आप ही कर सकती हैं माता। भी बड़ा क्यों ना हो, दया निधान जगत पिता महादेव और जगत जननी देवी पार्वती उसका कोई ना कोई निदान अवश्य ढूंढ ही लेते हैं। जी ने वध किया, शिव जी की सहायता से शांत क्रोध को किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का फुंकार था, विचित्र रूप था लिया ये सर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बारंबार है कल्याण शिव जी ने किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय।
विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। हे प्रभु शरभ, हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। अब हरी हम पर छाए संकट है, हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। फिर से एक अवतार धरो, अब सृष्टि का संकट दूर हुआ। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु शरभ की जय। प्रभु शरभ की जय। माता प्रत्यंगिरा की जय। माता प्रत्यंगिरा की जय। हे श्री हरि नारायण, आप तो धर्म कर्तव्य के पर्याय हैं, जगत हित के प्रति सदा सजग, जगत के पालनहार। आपकी लीलाएं तो अद्भुत हैं, जिनका घूर रहस्य समझना किसी के लिए भी सरल नहीं। आपको ये ज्ञात होते हुए भी कि आप नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो देंगे, फिर भी संसार के हित के लिए आपने ये अवतार लिया। हे महादेव, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात मैं अपनी विजय के आनंद में स्वयं से नियंत्रण खो चुका था, तब आपने शर्भावतार लेकर मुझे स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर संसार को एक बहुत बड़ी सीख दी है। और मेरी लीला का तो यही उद्देश्य था कि मैं संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कि अपनी विजय के मध्य में स्वयं से नियंत्रण खोना एक बहुत बड़ी भूल होती है। हाँ श्री हरि नारायण, जो अपनी विजय को अपनी बुद्धि पर हावी होने दे, उसके आनंद के मन में अन्य सभी को स्वयं से हीन समझने का दोष कर बैठता है और अपने वास्तविक मूल चरित्र को भूल जाता है, सुपथ से विमुख हो जाता है। इसलिए हे नारायण, आपकी इस लीला से सभी को सीख लेनी चाहिए कि जो विजय पाकर नियंतक होना, अन्य जीव को क्षति पहुंचाना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, जगत के साथ साथ स्वयं उसके लिए भी हानिकारक होता है। इस प्रकार प्रभु शिव शंकर शंभु ने आपके मामा जी श्री हरि नारायण को सीख देने के साथ साथ संसार के समक्ष विजयी होने के उपरांत कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सूत्र प्रकट किया। लंकेश, वो सीख मामा जी श्री हरि नारायण के लिए नहीं थी, अपितु दोनों महादेव एवं श्री हरि नारायण ने इस लीला से जगत को एक बहुत बड़ी सीख दी कि विजय होने के अहंकार को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। किंतु गौरी पुत्र, क्या श्री हरि नारायण का जगत के पालनहार कहलाना उचित है? स्वयं पर नियंत्रण रखने में अक्षम थे वो, और यदि मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु उन्हें ना संभालते तो वो तो समस्त जगत को ही नष्ट कर देते। मेरे प्रभु देवों के देव महादेव हैं और नारायण मात्र एक नारायण ही है। जब अहंकार से उत्पन्न अज्ञानता किसी की बुद्धि पर छाती है तो लंकेश जैसा महाज्ञानी भी उस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाता है जो उसकी दृष्टि के समक्ष होता है। प्रभु हरिहरा एक ही हैं, ये सरल रहस्य भी समझ नहीं पा रहे हैं लंकेश। आप पुनः किस विचार में डूब गए हैं गौरी पुत्र? कुछ नहीं लंकेश, आप जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, मैं तो प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के एक साथ होने के विचार में ही डूबा था। वैसे अब जब हमने प्रभु शरभ की कथा पूर्ण कर ही ली है तो अब हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश। मैं किसी प्रकार प्रभु वीरभद्र और प्रभु भैरव से सुरक्षित रहा,
किंतु यदि प्रभु शरव आत्मलिंग मेरे हाथ में देखकर कुपित हो गए तो फिर मैं अपनी रक्षा कैसे सुनिश्चित करूंगा? त्र्यंबकं सदा शिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का उंगारता, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बारंबार है कल्याण शिव जी ने किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे आत्मलिंग को सुरक्षित करना होगा। जिन प्रभु शरद ने स्वयं प्रभु नारायण को रोकने में सफलता प्राप्त की, उन्हें लंकेश को दंडित करने से भला कौन रोक सकता है? जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। प्रभु शरभ के क्रोध से अब मेरी रक्षा कैसे होगी? पंख के स्पंदन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड अस्थिर हो गया था, समस्त ग्रह दिशा विहीन होकर अपने नियत स्थानों से भटक गए थे। जिनके पंजे की शक्ति से तो प्रभु नरसिंह भी पार नहीं पा सके थे, उन महाशक्तिशाली प्रभु शरभ के प्रहार से लंकेश स्वयं को कैसे सुरक्षित करेंगे? जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू।